आज हमारे धरने का नवा दिन है। सारे बेरोजगार भाई परेशान है, और इतने परेशान है कि आरपीएससी वालों को चेताने के लिए हमने आज काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया है, आरपीएससी के गेट के बाहर भी किया और यहाँ धरना स्थल पे भी कर रहे हैं। आरपीएससी वालों को लगातार चेतावनी दी जा रही है हमारी तरफ से, उसके बावजूद हमारे परिणाम जारी नहीं हो रहे। आरपीएससी वाले अंधे हो रहे हैं और कुर्सी के नशे में मस्त हो रहे हैं। इनको बेरोजगारी की कोई फिक्र नहीं है, ना ये होश में आ रहे। हमारी भर्ती को लगभग 2 महीने से तो काउंसलिंग हुए बैठी है। परिणाम आया था जुलाई 2019 में और भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी अप्रैल 2018 में। एग्जाम हुए नवंबर में, उसके बाद 2 साल हो गई। 2 साल में एक भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाए। हम लगातार उनसे मिल रहे हैं, एक रिजल्ट निकाल देते 5 दिन फिर लटका देते, फिर एक रिजल्ट निकाल दे 5 दिन फिर लटका देते। अरे चाहते क्या हो हमसे यार, हम कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? भूखे पासे मेरे भाई बैठे हैं, सारे परेशान हैं, इनके घर वाले परेशान हैं। यहाँ बैठे बैठे इनकी यह हालत हो गई कि ना तो कहने के ना सुनने के किसी के लायक नहीं रहे। आरपीएससी वालों की सिर पे जू तक नहीं रहेंगे, उनका तो ये कहना रहता है कि चल रहा है काम। अरे कहाँ तक चल रहा है, रिजल्ट कहाँ है हमारा? हमको रिजल्ट चाहिए, एग्जाम दिया है तो हम चाहते हैं कि हमारा परिणाम आए। क्या चाहते हो, क्या हमारे प्राण लोगे आप? कौन सा दिन हो गया आज? नवा दिन है हमारे धरने का, और जब तक रहेंगे जब तक सारे परिणाम जारी नहीं होंगे, हमारा प्रदर्शन यूं ही इनके खिलाफ जारी रहेगा, सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। इनको हमारा परिणाम